सेल्फ डिजाइनिंग है। अब आप लोग देखो ऊपर से मैंने जो कोड लिखा है वो सारा कोड ये है, यही सारा कोड है। कुछ चेंजेस किया हूँ मैं उस दिन वाला, तो ये सारा कोड है। एक्सप्लेन कर दूँ कोड को एक बार, यार करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे ना। कुछ नया चीज होगा उसको बता दीजिए, बाकी वही पुराने हैं। बाकी कुछ नया इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या बने, रेफरेंस वेरिएबल बना के रखा हूँ मैं यहाँ पे इस टाइप का। पूरा यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट बना है, ये टोटल ऑब्जेक्ट बना है। अब देखो आप यहाँ पे एक तो यहाँ पे है सेट बॉर्डर स्टाइल कमेंट है, तो इसको मैं कमेंटे रहने देता हूँ और राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ। पहले रन कर दिया, तो जैसे ही प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ ना, तो देखो ये बॉर्डर आ रहा है किनारे। अब जैसे ही मैं बॉर्डर स्टाइल को ना नल कर दिया, तो आप देखना बॉर्डर स्टाइल कैसा हो जाता है। बॉर्डर गायब हो गया। अब इसमें मैं आइकन सेट करूँगा, ये बटन है इस पे मैं आइकन सेट करूँगा, अभी नहीं सेट कर रहा हूँ। और इसमें मैं बटन में मैंने क्या किया है, सेट एक्शन कमांड से अपलोड इमेज इसका एक्शन कमांड कर दिया है। बाकी सेट बाउंड आप जानते हैं क्या मतलब होता है, तो ये मैं नहीं उतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अब इसमें। और नीचे 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 आते गए, ये सब कंपोनेंट की मैंने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। ये देखो आप जो टैब वाला कंट्रोल देख रहे थे ना, वो जे टैब्ड पेन था वो। जैसे ये टैब कंट्रोल है, मैंने उस दिन आप लोग को बता भी दिया था शायद, टैब कंट्रोल है। तो ये टैब क्या है, ये वाला है, ये वाला टैब है, से टैब बना। और टैब पैनल से क्या बना, क्लिक करने के बाद जो एरिया खुलता है ना, जैसे टैब टैब कितना टैब आपको चाहिए, एक टैब चाहिए, दो टैब चाहिए, तीन टैब चाहिए, तो आपको कितना टैब चाहिए वो टैब ये है। जैसे अभी दो ठो टैब है डॉक्यूमेंट और एड्रेस का, तो यहाँ पे एक तो एक पैनल यहाँ पे बना, और पैनल का मैंने नेम सेट किया डॉक्यूमेंट, तो वही डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे दिख रहा है और वो इसमें पैनल ऐड। एड्रेस के लिए ये देखिए पैनल का फिर से ऑब्जेक्ट बना, पैनल टू, और पैनल टू में मैंने एड्रेस नाम लिख दिया, तो आ गया एड्रेस, आ गया एड्रेस, यही पैनल है। अब क्या किया हूँ मैं, अब आप यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और सुनिए। टैब पैनल का ऑब्जेक्ट बना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैनल का जो सेट लेआउट नल में पास कर दिया। जैसे फॉर्म का लेआउट मैं नल सेट करता था ना, तो इसका भी लेआउट नल सेट कर दिया, ताकि सेट बाउंड मेथड से मैं और अरेंज कर सकूँ, क्योंकि सेट बाउंड तभी काम करेगा जब लेआउट नल हो, तो इसलिए मैंने नल कर सेट कर दिया। और फिर पैनल वन के अंदर कैटेगरी डाला, ये डाला 10, 12 सर्टिफिकेट वगैरह पैनल वन में डाला, तो पैनल वन कौन सा है, डॉक्यूमेंट है, और इसमें ये देखो ये सारा बटन ऐड है। क्या ये बटन है, ये बटन है, और ये वाला जो है ना ये लेबल है, ये वाला लेबल है ना, जैसे मैं दिखाऊं, ये देखो एल सर्टिफिकेट है, ये कैटेगरी सर्ट मतलब ये लेबल है। फिर यहाँ पे एल डी सी जो भी लिखा है, एल एल लिखा है ना वो लेबल है, और यहाँ पे एल नहीं लिखा है ये वाले में, तो ये बटन है, मैंने ऐड कर दिया, ये पैनल वन का काम खत्म। उसके बाद मैंने क्या किया है, पैनल टू में क्या ऐड किया, एल एड्रेस मतलब लेबल एड्रेस का, फिर एड्रेस मैंने ऐड कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट का लेबल, फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, फिर स्टेट वाला लेबल, फिर स्टेट ऐड किया। तो ये किस में ऐड किया, पैनल टू में, पैनल टू का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। तो आप देखो इधर, तो ये पैनल टू है, डॉक्यूमेंट नहीं यार, एड्रेस है पैनल टू का नाम, तो देखो एड्रेस आ गया ना, ये देखिए एड्रेस है पैनल टू का नाम, यह पैनल टू अब हो गया। तो पैनल हमने बना लिया दोनों पैनल का नाम भी सेट कर दिया, दोनों पैनल में कंपोनेंट भी ऐड कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स और कंट्रोल। और उसके बाद टैब में या इधर देखो क्या किया मैंने, टैब था ये, टैब में पैनल वन को ऐड कर दिया, फिर पैनल टू को ऐड कर दिया। तो पहले पैनल वन को ऐड किया था, तो पैनल वन का क्या नाम था, डॉक्यूमेंट, जैसे ऊपर मैं दिखाऊं, ये देखो पैनल वन का नाम डॉक्यूमेंट नाम था, तो पहले पैनल वन ऐड है, तो पहले आ गया पैनल वन, और फिर बाद में आया एड्रेस। अगर इसको मैं सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दूं ना, तो पहले एड्रेस आ जाएगा फिर डॉक्यूमेंट आ जाएगा, करके दिखा दूं, ये लो हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूं और रन करूंगा, तो पैनल टू पहले आएगा, पैनल वन बाद में आएगा, देखना अभी आप, पहले एड्रेस वाला अब आ जाएगा, पहले एड्रेस आ गया, अब आ रहा डॉक्यूमेंट, समझ में आ गया ना इतना।
पैनल टू, पैनल टू का फिर बाद मैंने सेट लेआउट नल पास किया है, इसको ऊपर ही कर देता हूँ, ऊपर ही ठीक दिख रहा है ये। वन पहले ही कर दूँ? चलिए तो वन पहले ही कर देते हैं, जैसा आपका इच्छा। अब एड्रेस वगैरह का जो है मैंने कर दिया है, ठीक है, एड्रेस वगैरह का, स्टेट वगैरह का सेट बॉन्ड, मतलब पैनल में मैं पहले ऐड कर दिया हूँ, लेकिन सेट बॉन्ड्स जो था, किसका सेट बॉन्ड, पैनल के अंदर जो ऐड हो रहा है कंट्रोल, उसका सेट बॉन्ड्स को मैंने बाद में सेट किया है, समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब उसके बाद आ रहा है टैब कंट्रोल, टैब कंट्रोल का मैंने सेट बॉन्ड सेट कर दिया कि फॉर्म के अंदर कहाँ दिखना चाहिए टैब कंट्रोल, ये समझ में आ गया ये बातें। एक टोटल टैब, दोनों, एक टोटल टैब कंट्रोल, ये जो टैब खुल रहा है ये तो पैनल है, लेकिन ये पैनल जिसके अंदर खुल रहा है वो तो टैब कंट्रोल है ना टोटल, तो वो कहाँ पे होना चाहिए टैब, तो टैब दिखना चाहिए फॉर्म के इस पोजीशन पे, फॉर्म पे ऐड हो गया इस पोजीशन पे, हो गया इतना काम। अब देखो, अब नीचे आता हूँ मैं, दिस में देखो इतना सारा पास किया हुआ है, मतलब फ्रेम में मैंने ऐड कर दिया टैब को, फिर रिसेट बटन, फिर रिसेट बटन, फिर इतना हो गया, गया। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए, मैं कुछ चीज़ें आप लोग को और दिखाता हूँ, यह है आइकन, डैशबोर्ड को बंद कर दो, बंद कर देता हूँ, आइकन मेरा कहाँ चला गया, इमेज के अंदर ये सारा है। अब यह है आइकन क्लास, एक ठो मैं बनाया हूँ आइकन नाम का इंटरफेस, क्लास नहीं है इंटरफेस है, आइकन नाम का बना है इंटरफेस, इसका भी आप चाहें तो फोटो खींच लीजिएगा, दिखा रहा हूँ, ज़रूरत क्या है दिखाऊंगा मैं। ये देखो, ये पूरा है आइकन इंटरफेस, इधर करता हूँ तो ये देखिए, इसका फोटो वगैरह आप लोग खींच सकते हो, ये आइकन नाम का इंटरफेस है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, कि मैं फिर से रन करता हूँ, ये वाला जो बटन है इसमें एक आइकन दिखे ऐड का, किसका आइकन दिखेगा, ऐड का आइकन दिखे मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा आप लोग देखना, ये वाला ऐड है, तो मैंने क्या किया है कि आइकन नाम का जो इंटरफेस है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इंटरफेस है ना, यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस आइकन, आइकन के अंदर एक तो मैंने लगा दिया है स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर ये पूरा जो है मैंने लोकेशन किसका दे दिया है, नो इमेज, मैं नो इमेज का दे दिया, ऐड इमेज वाला है जी। तो ये और क्या लग रहा है, तो मेरा भी इसीलिए हो गया था पुराना जब नोकिया का होता था ना, उसका बैटरी फुल जाता था, अरे तो खराब हो जाते हैं भाई, ये चल रहा है ना भाई, हाँ ये चल ही रहा है, चली रहा है, ये खुशी का बात है। देखो ऐड इमेज आ गया ना, ऐड इमेज वेरिएबल में मैंने ऐड इमेज का लोकेशन दे दिया है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है कुछ, देखो एक ठो फंक्शन है सेट इमेज नाम से, है ना, सेट इमेज को क्या चाहिए, ये फंक्शन बना है, इधर देखो बाबू लोग नहीं तो भूल जाओगे। देखो पहला पैरामीटर में फाइल नेम मतलब स्ट्रिंग का नाम दो, दूसरा में लेबल दो, मतलब सेट इमेज फंक्शन को यदि मैं फाइल का नाम और लेबल दूँ तो उस लेबल में फोटो सेट कर देगा, यही बात है यहाँ पे। और दूसरा फंक्शन है सेट इमेज नाम का, मतलब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है, देखो मतलब इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग हो रहा है यहाँ पे, एक ही नाम से है ना, दो ठो फंक्शन पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है, पहला पैरामीटर यहाँ पे फाइल नेम है, यहाँ पे बटन है, बटन है ना, तो अब देखो अब मैं आऊंगा यहाँ पे, ओवरलोड हो गया ना, तो इंटरफेस के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल है। अब देखो मैं क्या करूंगा, क्लास के अंदर का नहीं होगा यार, क्लास के अंदर तो होता ही है, लेकिन इंटरफेस के अंदर भी होता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन स्टैटिक मेथड होगा, हाँ स्टैटिक मेथड था ना, आप देखो यहाँ पे, ये देखो स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड ही होगा ना यहाँ पे ओवरलोड। अब देखो ये तो खैर अलग बात, देखो ऐड इमेज नाम, ऐड फोटो नाम का बटन है, इसी बटन का मुझे इमेज सेट करना है इसी बटन पे, तो देखो मैं क्या करूंगा, आइकन, आइकन्स,
ये देखो आइकन है ना, देखो यहाँ पे आ रहा है यूटिलिटी, तो मेरा इसी यूटिलिटी के अंदर आइकन नाम का इंटरफेस है। तो अब देखो आप लोग आइकन्स डॉट, अब क्या करूँगा यहाँ पे सेट है, ऐड फोटो क्या है बटन, तो मैं बटन वाला चुनूंगा ऊपर वाला, हो गया। अब मांग रहा है ये फाइल नेम, तो फाइल नेम बताओ, तो आइकन जो इंटरफेस है इसी के अंदर है, आइकन नाम का इंटरफेस के अंदर है ऐड इमेज, आ गया ऐड इमेज, और इसी के अंदर क्या दे देंगे हम बटन का नाम, तो बटन का नाम क्या है ऐड फोटो, हो गया। ये लो एक ठो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया और हमारा बटन के अंदर आइकन सेट हो गया। तो इसी काम के लिए मैंने बना रखा था आइकन नाम का इंटरफेस, देखो आ गया ना यहाँ पे, जी सर आ गया। क्या चीज अभी क्लिक करने पे नहीं काम करेगा, अभी मैं खाली लेआउट में दिखा रहा हूँ, नहीं इसको टच करेंगे तो खुलेगा इमेज सेलेक्ट करने के लिए। अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक लेबल सेट है, यहाँ पे क्या है एक लेबल है, उस लेबल में क्या होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और उस इमेज इमेज जो है सेलेक्ट करने के बाद लेबल में दिखाई देगा, लेकिन जब फोटो ही नहीं है तब कुछ सो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे नो इमेज का आइकन मैं लगाना चाह रहा हूँ। कैसे लगाऊंगा, बहुत आसान, देखो हमारे पास एक तो लेबल है फोटो नाम से, ये देखो है ना ऊपर में बनाया था मैं, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, आइकन आइकन यूटिलिटी के अंदर है और फिर सेट इमेज करूँगा, सेट इमेज, और देखो यहाँ पे एक और फंक्शन मैंने बना रखा था लेबल का, कि लेबल के अंदर सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, ये देखिए ये कॉल कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा आइकन्स, आइकन के अंदर ही है हमारा नो इमेज, नो इमेज का है ना ये कॉन्स्टेंट, और नो इमेज हो गया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा फोटो नाम का लेबल ले लूंगा, फोटो नाम का लेबल पहले से मैं बना रखा हूँ, ये देखो हो गया काम। अब फिर से रन कर रहा हूँ, देखना क्या होगा, आ गया नो इमेज, आ गया ना, अब हमारा जो है काम बनके रेडी हो गया। अब जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि हमें फोटो सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, अब वहां से जो भी फोटो मैं सेलेक्ट करूंगा वो फोटो यहाँ पे दिखाई देगा, समझ में आ गया, हाँ ये इमेज तो हटी जाएगा, अरे हुआ यार चलो छोटा कर देंगे, और तो इमेज यहाँ पे खुल जाएगा वो, ठीक है, हाँ वही रहेगा यार, अब यहाँ पे कौन उतना पासपोर्ट देखता है, ये है पूरा, इसको पूरा कॉपी पेस्ट आप कर लेना भाई जो है, क्योंकि इस यूआई में तो सब जान ही रहो। एक चीज और ध्यान दो आप लोग, इधर जे डेट चूसर जो है ना ये जावा के अंदर नहीं है, ये मैंने अलग से डाउनलोड करके इसमें ऐड किया है, मैं दे दूंगा आप लोग को, जैसे मैं जाऊंगा प्रॉपर्टी में प्रोजेक्ट से और मैं जाऊंगा इधर से जावा बिल्ड पाथ में और क्लास पाथ जैसे सेलेक्ट किया, तो ये देखिए जे कैलेंडर नाम का जार फाइल है, ये जार फाइल भी आप पेन ड्राइव में मेरे से ले लेना, ठीक, ये ले लेना आप लोग, और फिर ये आइकन नाम का आप लोग टाइप करके ही बना लेना, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेना, और इमेज नाम से एक फोल्डर बनाना और इमेज फोल्डर के अंदर पूरा ये इमेज आप डाल देना, और फिर ये इंटरफेस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, कुछ पूछना नहीं है किसी को, नहीं पूछना है ना, बंद कर देता हूँ।